मैं सीपी सिंह साहब के इस पोर्टल पर सूचना दिया और वो उसके बाद वो हर एक दो घंटे तीन घंटे पर फॉलोअप होने लगा कि कोई समाधान मिला, वहाँ से हटा, सफाई हुई। करीब 10 घंटे के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आई और पूरी सफाई करके ले गई। और इसके बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला, फिर पोर्टल से ये पूछा गया कि क्या सफाई हो गई होगी अब, तो मैं उम्मीद करता हूँ। मैं धन्यवाद दिया, बिल्कुल अच्छी बात है, धन्यवाद दिया और सफाई हो गई। दूसरी बार मैं कंप्लेन किया था, 2 दिन तक पानी नहीं आ रहा था, तो उस पर कंप्लेन किया। उस दिन भी करीब 4 घंटे के बाद, और पोर्टल से लोग ये फॉलो करते रहे कि काम हुआ, पानी आया, 3 बार टेलीफोन आया। इसके बाद 4 घंटे के बाद पानी, वाटर सप्लाई रिस्टोर हो गया। एक बार इसी तरह से बिजली का काम था, तो करीब हम लोग 12 घंटे अंधेरे में थे, तो कहा तो बिल्कुल ऐसे ही काम हुआ। मैं बता दूं, आपने जो कहा कि आपके विधायक सीपी सिंह साहब मेरे विधायक नहीं हैं, मेरे क्षेत्र के विधायक नहीं हैं, मैं कांके क्षेत्र में पढ़ता हूं, हमारे दूसरे विधायक हैं। और यही कारण है कि सीपी सिंह साहब 6ठी बार यहाँ का विधायक बने हैं और शायद बनते रहेंगे। वो छोटी छोटी बात में भी, किसी के यहाँ मृत्यु हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, शादी है, कोई पूजा है, वहाँ भी चले जाते हैं और जाकर मदद करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है विधायकों के लिए, और दूसरे विधायकों को भी इससे मैंने ये करना चाहिए। और मैं मेरा विचार ये भी हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी और राज्यपाल महोदया जी इस बात को विधायकों के बीच एक संदेश करें कि आप लोग इस तरह से पोर्टल तैयार करें।